हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इस सीरीज की हमारे 4 वीडियोस आ चुके हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस सीरीज में हम पिछले 1.5 साल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रेलवे में लेटेस्ट करंट अफेयर ना पहुंचकर पिछला 1 या 1.5 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4th स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ये किसी भी देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ यानी कि उस देश की मिलिट्री ताकत को दर्शाता है। इस सूचकांक में नंबर 1 पर है अमेरिका, नंबर 2 पर है रूस, नंबर 3 पर है चाइना और नंबर 4 पर है भारत, नंबर 5 पर है जापान। ये तो बात हो गई ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की, यानी कि पूरी दुनिया में मिलिट्री रैंकिंग क्या है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है, तो यहाँ पर भी भारत की रैंक है 4th। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कंट्रीज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है? तो भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोला गया केरल राज्य में, केरल राज्य के अलापुजा शहर में। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है जो कि इसी प्रकार से पहली बार घटनाएं घटी हैं, जैसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल, देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल यानी कि जानवरों के लिए युद्ध स्मारक खोला गया उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है उत्तराखंड राज्य में, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में कहाँ? गुजरात के लोथल शहर में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी RRB NTPC CBT 1 में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला संगीत संग्रहालय खोला गया तमिलनाडु के तिरुवरैयारू में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम कहाँ पर खोला जाएगा? तो भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम स्थापित किया जाएगा गुजरात के महिसागर जिले के बालासिनोर कस्बे के रयाली गांव में। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अब तक की पिछले 1 साल में 8 से 10 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच शुरू की गई थी। भारत की पहली जो किसान रेल है ये महाराष्ट्र के देवकली से लेकर बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय यानी कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई? ये जो पुस्तक है बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट जो है ये पुस्तक लिखी गई है एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा जिनका नाम है दलाई लामा। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं 4th दलाई लामा। दलाई लामा क्या होता है? जो तिब्बत देश का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल नेता होता है उसे ही हम दलाई लामा के नाम से जानते हैं। दलाई लामा जो कि तिब्बत में एक पोस्ट होती है, तिब्बत जो कि चाइना का एक ऑटोनोमस रीजन है, भारत का पड़ोसी देश है, तिब्बत को ही दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है, रूप ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। तिब्बत देश की राजधानी है ल्हासा और तिब्बत में ही स्थित है मानसरोवर झील। ये क्वेश्चन NTPC CBT 1 में पूछा गया था कि मानसरोवर जो झील है किस देश में स्थित है? मानसरोवर झील तिब्बत देश में स्थित है, यहीं पर है कैलाश पर्वत। अब आपको मानसरोवर से कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे तिब्बत के मानसरोवर झील से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में से भारत में प्रवेश करती है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश से। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा डीह या देहांग के नाम से।
अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तर होगा जमुना के नाम से। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी शहर जो कि असम राज्य का एक शहर है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन जो है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ALP NTPC CBT 1 तथा ग्रुप डी सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि रिवर आइलैंड क्या है? तो इसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जिसको हाल ही में पिछले साल एक जिले का दर्जा दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं लोहित नदी, कामेंग नदी, मानस नदी तथा तीस्ता नदी। अगला क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व के टॉप 300 सहकारी संस्थाओं में भारत की एक संस्था है इफ्को, ये शामिल है, किस नंबर पर है? तो ये 57th नंबर पर है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व के टॉप 300 सहकारी संस्थाओं में भारत की कौन सी संस्था शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा इफ्को। इफ्को जिसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, जो कि एक सरकारी कंपनी है, ये फर्टिलाइजर यानी कि खाद्य निर्माता कंपनी है। इसी प्रकार से एक दूसरी रिपोर्ट जारी की गई है 2021 में, जिसके अनुसार दुनिया के 20 बड़ी डेयरी कंपनियों में भारत की अमूल डेयरी शामिल है, जिसका स्थान है 18वां। जो अमूल डेयरी है इसके वर्तमान में CEO हैं RS सोनी, अमूल कंपनी का मुख्यालय आनंद गुजरात। अमूल कंपनी की स्थापना की गई थी RS कुरियन के द्वारा, जिन्हें भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर यानी कि श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की गुच्छी मशरूम को GI टैग से सम्मानित किया गया है? तो GI टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर राज्य की गुच्छी मशरूम को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है जम्मू कश्मीर राज्य की गुच्छी मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2021 का जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये दिया गया है कुमार मुन्नन सिंह को। कुमार मुन्नन सिंह को 2021 का आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है, जबकि 2022 का आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये किस दिन दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हर साल 23 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 23 जनवरी को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। इन्हीं की जयंती पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से एक पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने अनाउंसमेंट किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो कि 23 जनवरी को होती है, अब हर साल भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस साल जो पराक्रम दिवस मनाया गया ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। वर्तमान में भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। अब आपको चार दिवस के नाम याद रखने हैं जो कि 2021 और 2022 में पहली बार अनाउंसमेंट किए गए हैं। जैसे अब हर साल 15 नवंबर को भारत में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि यह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है। अब हर साल भारत में 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 1 अगस्त को ही ट्रिपल तलाक का कानून लागू हुआ था। अब हर साल भारत में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि जो 26 दिसंबर है इसी तारीख को जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख समुदाय के एक धर्मगुरु थे। और 16 जनवरी को भारत में अब हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि 2021 तथा 2022 में अनाउंसमेंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। इसका नाम होगा जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। और जो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको बनाया जा रहा है ज्यूरिख एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मदद से। अगला क्वेश्चन है, रेलवे किस थीम पर आधारित नई ट्रेनों की शुरू करने जा रहा है? तो रेलवे
आज़ादी का गौरव सॉरी भारत गौरव के थीम पर आधारित नई ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अब यहाँ से दो क्वेश्चन आपको याद रखना है, जबकि भारत में हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल विमेंस डे मनाया जाता है 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को ही पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। ये क्वेश्चन NTPCC BT1 में पूछा गया था कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर होगा 13 फरवरी को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 25 जनवरी को भारत में हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये बनाया जाएगा गुजरात के अहमदाबाद जिले के सानंद के पास। लेकिन यदि यहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो भारत का पहला मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क है ये असम के जोगी घोपा शहर में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का 130वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है कोलकाता शहर में। अब हम जान लेते हैं डूरंड कप क्या है। तो डूरंड कप जो कि एशिया साथ ही साथ दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखना है, डूरंड कप जो कि एक फुटबॉल का एक प्रतियोगिता है, फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसी प्रकार से फुटबॉल की एक दूसरी ट्रॉफी है जिसका नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार लगातार पांचवी बार भारत का सबसे साफ शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। अगला क्वेश्चन है, बंगस आवाम मेला कहां पर आयोजित किया गया? तो बंगस आवाम मेला का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर राज्य में। और जम्मू कश्मीर राज्य में ही एक दूसरा मेला बहुत ही जोरों से मनाया जाता है, जोरों शोरों से, इसका नाम है खीर भवानी मेला। तो ये दोनों मेला का संबंध है जम्मू कश्मीर राज्य से। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व राइट को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे युवा मेयर कौन बन गई हैं? तो भारत की सबसे युवा मेयर बन गई हैं आर्य राजेंद्रन। ये कहाँ की मेयर बनी हैं? तो ये बनी है केरल के तिरुअनंतपुरम शहर की। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम की मेयर आर्य राजेंद्रन। अब आपको कुछ वर्षों के नाम याद रखने हैं जहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इस पद के लिए कितना वर्ष की आयु होना चाहिए तथा इस पद के लिए कितना वर्ष की आयु होना चाहिए। यहां से निश्चित ही एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए मिनिमम आयु है 35 साल। भारत में राज्यसभा तथा विधान परिषद के लिए मिनिमम आयु है 30 साल। भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा स्पीकर यूनियन मिनिस्टर मुख्यमंत्री विधानसभा स्पीकर तथा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक इन सभी का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु है 25 साल। भारत में मेयर कॉरपोरेट काउंसलर वार्ड मेंबर नगर पंचायत प्रधान ग्राम प्रधान इन सभी का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु होनी चाहिए 21 साल। तो ये 3-4 डेटे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, DRDO के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो DRDO के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया हेमंत कुमार पांडे को। DRDO जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी रेड्डी। अगला क्वेश्चन है,
भारत का पहला परागकर्ता पार्क यानी कि पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है हल्द्वानी उत्तराखंड में, हल्द्वानी उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, नौ सैनिक अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 किन देशों के बीच, दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो अल मोहम्मद अल हिंदी जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन पहली बार किया गया है भारत और सऊदी अरब देश के बीच। सऊदी अरब जो कि एक गल्फ देश है जिसकी राजधानी है रियाद, सऊदी देश के प्रिंस का नाम है मोहम्मद बिन सलमान, यहाँ की मुद्रा है रियाल। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, क्वेश्चन क्या है, 2034 के जो एशियाई खेल हैं इनका आयोजन किया जाएगा सऊदी अरब के शहर रियाद में। तो इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पिछले 3 महीने से दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर कोई देश है तो ये है यूक्रेन देश। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।